छोटी काशी जयपुर में लव जिहाद की गूंज भाजपा प्रदेश कार्यालय तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि पीड़ित युवती की मां और भाई हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों के साथ भाजपा कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचकर प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा को अपनी पीड़ा बताई। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें मामले के त्वरित निस्तारण की बात कही और ऐसा न होने पर पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों के साथ थाने के घेराव की चेतावनी तक दे दी। मीणा ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में पुलिस की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक लड़की है, उस लड़की को कोई मुस्लिम लड़का बेला फुसला कर ले गया, उसको कहीं पर बंधक बना रखा है और पुलिस की भूमिका भी उसमें थोड़ी बहुत, जैसा कि उनके घर वालों ने बताया, संदिग्ध लग रही है। लड़की को पुलिस ने दस्तयाब किया लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको थाने में नहीं रखा, न्यायालय में पेश नहीं किया, 164 की बयान नहीं करवाए। तो हमने संबंधित अधिकारियों से बात की है, बात करके और शाम तक का समय दिया है कि दोबारा से उस लड़की को थाने पर लाकर आप लड़के को भी गिरफ्तार करें, लड़की को भी दस्तयाब करें और लड़की की घर वालों के साथ काउंसलिंग कराएं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन का समय दें और संभव हो तो उसको नारी निकेतन भेजा जाए, उसको कोर्ट में पेश किया जाए। लड़की को स्वतंत्र रूप से उसके बयान होने चाहिए, इसके लिए अधिकारी से बात करिए। तो 11 तारीख से गई थी कॉलेज, फिर शाम तक इंतजार किया, दो नहीं आई है ना, तो हमने ना 13 तारीख को सबके मिलके FIR कराई है, अभी तक आई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर सबने कहा अपन इधर चलते हैं, तो मैं इधर आ गई। मैं अकेली क्या करूँ, परेशान हूँ मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सबके साथ यहाँ आई कि कुछ तो हो। मैं क्या करूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं हेल्प लेने आई हूँ, बस मैं हेल्प लेने आई हूँ। अभी आप यहाँ पर आए तो यहाँ से आपको क्या जाएगा? उन्होंने बोला कि सब हो जाएगा ठीक, आप है ना धैर्य रखो, चिंता मत करो, धैर्य रखो और है ना आपकी बच्ची आपके पास जरूर आएगी, चिंता मत करो। फोन हाँ, एक दो बार फोन आए हैं और हम करें तो हमेशा स्विच ऑफ रहता है, मैसेज आता है लेकिन हम करते ना तो वो तो अधिकतर स्विच ऑफ ही होता है। वो 13 तारीख को आए थे ना जो हमारे यहाँ, वो हमको ले गए थे, थोड़ा दूर ले गए थे, मिलाया था, तो लेकिन मेरे को तो ना वो मेरी पूर्णिमा लगी ही नहीं, एकदम फीकी फीकी डल और एकदम ऐसा लग रहा था जैसे भूखी प्यासी है। नहीं, ये मैंने घर आते ही सबको बोला, मैंने कहा ये तो मुझे अजीब लगा, बहुत महसूस किया। मैं कभी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं मानी, आज तक मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, कभी इन चीजों में नहीं माना कि ऐसा कुछ करता है कोई, लेकिन पहली बार मुझे जिंदगी में लगा कि ना कुछ तो है, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती क्या है लेकिन कुछ है।